नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर कनेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसे टर्म सुने होंगे जैसे VC, BC, समिति, कमिटी, इन सब से कभी ना कभी आपका कोई ना कोई संबंध रहा होगा, या फिर आपने अपने रियल लाइफ में आपने चारों ओर देखा होगा कि बार बार हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि आज मेरे VC है, BC है, या मुझे कमेटी में जाना है, समिति में जाना है। तो दोस्तों, ये क्या होती हैं, किस तरह से इनका बिजनेस मॉडल होता है, किस तरह से इनमें काम होता है, और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम टैली के माध्यम से किस तरह से करते हैं, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ हम ये सीखने वाले हैं कि ये SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन सारे टर्म्स को समझने से कि वास्तव में VC क्या होता है और BC क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं VC और बहुत सारे लोग कहते हैं BC। तो VC जो शब्द है उसका सीधा सा मीनिंग होता है वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, VC वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी स्वयं की इच्छा से जब आप ऐसी कोई समिति बनाते हैं, ऐसी कोई कमेटी बनाते हैं, या ऐसा कोई ग्रुप बनाते हैं जिसमें सभी लोग जो कि मेंबर्स कहलाते हैं, जिसमें 10 लोग या 20 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अपनी छोटी छोटी नीड्स को पूरा करने के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। ये पैसा मंथली, वीकली या डेली भी इकट्ठा किया जा सकता है। उन सारे मेंबर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे हम मेंबरशिप या फिर सदस्यता शुल्क भी कह सकते हैं। ये सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, इस कंट्रीब्यूशन से उस संस्था में, उस ग्रुप में एक फंड क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम में छोटा सा एक ग्रुप होता है जो आपके दोस्तों का हो सकता है, आपके मिलने जुलने वालों का हो सकता है। सभी लोग मिलकर एक समान उद्देश्य के लिए कि भाई हम सबको आपस में एक दूसरे को हेल्प करनी है, फाइनेंशियली हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, या किसी सोशल कोज के लिए, किसी सोशल उद्देश्य के लिए भी इस तरह का काम किया जा सकता है। तो जब वो फंड क्रिएट हो जाता है तो फंड क्रिएट होने के बाद उसी फंड से जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। अब लोन देने के बाद जब लोन लेने वाला सदस्य वापस से अपनी संस्था में या अपने ग्रुप में फिर से वो रीपेमेंट करता है, तब उसे BC यानी बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी ये लाभार्थी होता है। और जब वो लाभ ले लेता है, जो कि एक लोन के रूप में उसे लाभ मिलता है, वो उसे वापस से अपने ग्रुप में रीपेमेंट करता है। जब वो रीपेमेंट करता है तो उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट, उसके साथ इंटरेस्ट, यदि कोई पेनल्टी वगैरह ऐसा कोई नियम है तो पेनल्टी भी उसमें साथ जुड़ी हुई होती है, और साथ ही साथ जो मंथली उसका मेंबरशिप अमाउंट था, यानी जो मंथली उसका सब्सक्रिप्शन था, सदस्यता का शुल्क था, वो भी इसमें जुड़ा रहता है। तो ये एक सिंपल सा एक सिस्टम होता है जिसे इन ग्रुप्स में फॉलो किया जाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि VC क्या होता है और BC क्या होता है। VC फॉर वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड BC फॉर बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जब ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो ईयर के एंड पर जनरली इसमें मीटिंग्स होती रहती हैं, ग्रुप के मेंबर्स आपस में मिलते हैं और इसका सारा हिसाब किताब देखते रहते हैं, एक कमेटी बनाते हैं जिसमें अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, इस तरह के कुछ पद होते हैं, उनके आधार पर वो सारा काम मैनेज किया जाता है। ईयर के एंड पर या जब भी वो कमेटी चाहती है, तब जो फंड्स जनरेट हुए हैं उनके माध्यम से जो लोन दिए गए हैं और इस संस्था में या इस यूँ कह सकते हैं कि इस कमेटी के अंदर जो प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट्स को फिर से मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हमें इनकी अकाउंटिंग को मैनेज करना चाहिए, किस तरह से हम टैली का उपयोग करते हुए बहुत ही आसानी से इस पूरे हिसाब किताब को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने देखा होगा तो ये सारा काम जनरली कैश में रहता है, कैश में चलता है, लेकिन यदि आप इसमें बैंकिंग इंक्लूड करना चाहें या आप गवर्नमेंट के रूल फॉलो करना चाहें, यदि आपका ऑपरेशन थोड़ा बड़ा है और उसमें जो टर्नओवर हो रहा है वो भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसे आपको क्रिएट करना चाहिए और उसके माध्यम से आप बैंकिंग भी इस कमेटी में, इस समिति में इंक्लूड कर सकते हैं। और बैंक को जब आप ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे अपने, तो उसके माध्यम से बैंक भी
आपके सदस्यों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिएगा और उसके बाद से आप अपनी कमेटी का, अपनी समिति का अकाउंट बैंक में ओपन कर सकते हैं और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बैंक से ही आप लोन दे सकते हैं। जो मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन हैं वो भी आप बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं किस तरह से काम होता है। अब टैली में हम चलेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हमें अकाउंटिंग एंट्रीज को वहाँ पर पास करना है। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है और ये जो कंपनी होगी वो हमें अकाउंट्स ओनली के लिए बनानी है, क्योंकि इस कंपनी में हमें इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना है। उसके लिए कंपनी क्रिएट करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहिएगा और यहाँ आपको F11 प्रेस करना है। F11 में आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग फीचर्स, इसमें आप जाइएगा और इस ऑप्शन में जो पहला आपको फिर से ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इस ऑप्शन को हमें यस कर देना है ताकि हमारी इस कंपनी में केवल अकाउंट्स ही मेंटेन हो। जब आप इसे सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको उन ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया है मेंबर कंट्रीब्यूशन के लिए। जितने भी मेंबर्स हमारे ग्रुप के अंदर हमारी बीसी में, वीसी में या फिर समिति कमेटी में जो सदस्यता शुल्क हमें देंगे उसके लिए एक अलग से सेपरेट ग्रुप मैंने क्रिएट किया है मेंबर कंट्रीब्यूशन, और इसे मैंने रखा है करंट लायबिलिटीज़ में। दोस्तों, ये हमारी ग्रुप की एक लायबिलिटी है जो हमें रीपेमेंट करनी होगी, इसलिए इस ग्रुप को मैंने करंट लायबिलिटीज़ मेन या प्राइमरी ग्रुप में रखा है। दूसरा जो मैंने ग्रुप यहाँ पर क्रिएट किया है वो है मेंबर्स लोन। जब हम अपने मेंबर्स को लोन देंगे तो वो हमारे इस ग्रुप के लिए असेट होगी, इसलिए इसे मैंने करंट असेट ग्रुप में रखा है। और इन ग्रुप्स के अंदर कुछ लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं। जैसा कि आपको पता है, लेजर्स हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक सिंगल लेजर, एक एक करके एक एक लेजर बनाना, और एक मल्टीपल लेजर्स। चूँकि यहाँ पर हमें बहुत सारे लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप की साइज़, उसमें कितने ग्रुप मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सभी मेंबर्स का हमें लेजर क्रिएट करना होता है। यदि आप मल्टीपल लेजर्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो आसानी से यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो जो मेंबर कंट्रीब्यूशन के लिए मैंने लेजर्स क्रिएट किए हैं वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नेम ऑफ लेजर्स, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, इस तरह से 10 मेंबर्स के मैंने यहाँ पर लेजर्स क्रिएट किए हैं। इन लेजर्स को मैंने मेंबर कंट्रीब्यूशन जो भी मैंने ग्रुप क्रिएट किया था उसमें रखा है। आप चाहें तो इसे सिंगल लेजर की तरह एक एक लेजर्स जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप पेपर और पेन ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक बार आप सारा जो स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हमें इनके लेजर्स ओपन करने हैं वो आप एक बार पेपर पर लिख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि कन्फ्यूज़न आपको कुछ भी ना रहे। तो यहाँ पर मेंबर 1, मेंबर 2, इस तरह से आप अलग अलग लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल लेजर्स का यूज़ करते हुए आप मल्टीपल लेजर्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ पर ग्रुप क्रिएट किया था मेंबर्स लोन, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको लोन टू मेंबर 1, लोन टू मेंबर 2, इस तरह से आप जिन जिन मेंबर्स को लोन दे रहे हैं उनके नाम से लेजर्स बना सकते हैं जिन्हें हमें मेंबर लोन्स इस ग्रुप में रखना है। तो जो प्राइमरी हमारे लेजर्स थे वो यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ और भी लेजर्स होते हैं जिन्हें हमें क्रिएट करना होता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन मेंबर लोन। मेंबर लोन्स पर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा उसे मैंने इनडायरेक्ट इनकम में रखा है। इसी तरह से यदि आपका ग्रुप काफ़ी बड़ा है और आप अपने ग्रुप को मैनेज करने के लिए या उसका हिसाब किताब रखने के लिए किसी अकाउंटेंट को हायर करते हैं और उसे सैलरी पे करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा, या अपने ग्रुप को मैनेज करने के लिए स्टेशनरी के एक्सपेंसेस करते हैं या छोटा मोटा जो भी आपका एक्सपेंसेस होता है उसके लिए आप अलग से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो मोटे मोटे जो लेजर्स थे वो मैंने आपको बता दिए किस तरह से आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं और किस तरह से ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। आइए अब एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं कि हमें मेंबर्स से सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसकी एंट्रीज हमें किस तरह से पास करनी है। जो पहली एंट्री हमें पास करनी होगी वो हमारे मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन से संबंधित होगी। सारे मेंबर्स हमें मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं और ये 10 मेंबर्स 1000 रुपीज़ पर मंथ हमारे इस ग्रुप में, हमारे समिति में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मंथली आपको उनके कंट्रीब्यूशन से संबंधित एंट्रीज अपने सिस्टम में पास करनी होंगी। मैंने यहाँ पर अप्रैल, मई और जून की मेंबर कंट्रीब्यूशन से संबंधित एंट्रीज यहाँ पर पास की हैं। फर्स्ट मंथ मेंबर्स ने 1000 हमें पे किया है, तो सारे मेंबर्स
हमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे संबंधित एंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट करना है और जितने भी मेंबर्स हैं उनके लेजर को आपको क्रेडिट कर देना है। चूँकि यहाँ पर 1 अप्रैल को मैंने एंट्री पास की है, देन 1 मई और फिर की एंट्री पास की है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो लेजर आप यहाँ देख रहे हैं उस लेजर में करंट बैलेंस 3000 आ रहा है। इट मीन्स इस मेंबर ने हमारे इस वीसी में, बीसी में या समिति में 3000 रुपये का कंट्रीब्यूशन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर महीने यदि मेंबर्स बहुत ज़्यादा हुए तो हमें डेबिट और क्रेडिट करना होगा, तो दोस्तों इसके लिए आप 1 मंथ में एक बार पूरी मेहनत के साथ एंट्रीज कर लीजिएगा, देन आप इन्हीं एंट्रीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डे बुक में जाना है, डे बुक में जाकर आप जिस एंट्री को डुप्लीकेट करना चाहें उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऑल्टर के साथ 2 प्रेस कीजिएगा। जैसे आप ऑल्ट 2 प्रेस करेंगे फिर से वही एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ओपन हो जाएगी और आपको केवल डेट चेंज करनी होगी। F2 प्रेस कीजिएगा, जैसे यहाँ मैंने 1 जुलाई ले लिया है, और इसे सेव कर लीजिएगा। जब आप इस तरह से एंट्रीज पास करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले मेरे पास मेंबर कंट्रीब्यूशन से संबंधित 3 मंथ की एंट्रीज थी, अब नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेते समय रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज पास करनी है। अब यदि हमें अपने मेंबर्स को लोन देना होगा, तो जैसा मैंने आपको बताया जब 1 मंथ हम मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेंगे तो हमारे इस ग्रुप में 10,000 इकट्ठा होगा, नेक्स्ट मंथ फिर से 10,000 इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर 1 मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ से हम अपने मेंबर्स को लोन देना चालू कर सकते हैं। थोड़ा सा फंड जनरेट हो जाए उसके बाद आप उन्हें लोन भी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप मेंबर्स के नाम से अलग अलग लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा कंट्रीब्यूशन का काम जब हो जाए आपका, तो आप जब बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मेंबर्स कंट्रीब्यूशन नाम से अलग से आपको हेड दिखाई दे रहा है। इस हेड में सारे मेंबर्स का हिसाब किताब हमें मिल रहा है, मेंबर 8 ने अभी तक कितना कंट्रीब्यूट किया है, मेंबर 7 ने कितना किया है, मेंबर 1 ने कितना किया है, यहाँ से हम सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से जब आप अपने मेंबर्स को लोन देंगे तो आपको अपनी बैलेंस शीट में वो भी दिखाई देने लगेगा, मेंबर्स लोन। आपको जस्ट मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमने मेंबर 1 को लोन दिया है, तो आप देखेंगे कि 1 मई मंथ में हमने उसे लोन इशू किया 10,000 का, तो आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है लोन टू मेंबर 1, उसे डेबिट कीजिएगा और कैश को क्रेडिट करते हुए इस एंट्री को पोस्ट कर लीजिएगा। जब वो मई मंथ के बाद जून मंथ से लोन की किस्त चुकाएगा, इंस्टॉलमेंट चुकाएगा, तो उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि रिसिप्ट वाउचर में आपको एंट्री पोस्ट करनी है, कैश अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा, और जो लोन टू मेंबर 1 वाला लेजर था उसे आपको क्रेडिट करना है, और इंटरेस्ट की जो इनकम है उसे भी आपको क्रेडिट करते हुए इस एंट्री को पोस्ट करनी है। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेंबर्स जब लोन ले लेगा तो उसके बाद वो 1,000 रुपये किस्त के चुकाएगा, 200 रुपये उस पर इंटरेस्ट पे करेगा और 1,200 रुपीज़ हमें रिसीव होगा। तो इस तरह से आप मेंबर 1, मेंबर 2 सभी का हिसाब किताब रख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 10,000 उसको हमने लोन पे किया और उसके बाद उसने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में 1,000 हमें रीपेमेंट किया है। सभी मेंबर्स का इस तरह से आप हिसाब किताब कर सकते हैं, उनका आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं, उनका कितना लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो सब रिपोर्ट्स आप यहां से देख पाएंगे, और जो इंटरेस्ट की इनकम थी वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको यहां इनडायरेक्ट इनकम के फॉर्म में दिखने लगेगी। धीरे धीरे जैसा हमारा ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे हमारे पास फंड जनरेट होगा, कैश इन हैंड से हम देख पाएंगे कि हमारे कितना कैश इन हैंड रखा हुआ है और हम अपने मेंबर्स को 10,000 का जो हमने लिमिट तय किया है उसका लोन पे करने के बाद, उसका लोन इशू करने के बाद कितना कैश इन हैंड हमारे पास अभी रखा हुआ है। अब जैसे जैसे ये काम हमारा आगे बढ़ेगा तो कुछ एक्सपेंसेस भी आएंगे, जैसे आपको स्टेशनरी का एक्सपेंसेस करना होगा, हो सकता है आपको कोई कन्वेंस का ट्रैवल का एक्सपेंस बुक करना हो, वो भी आपको यहाँ पर बुक करने होंगे। कुछ एक्सपेंसेस की एंट्रीज अब मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। सपोज ऑफिस एक्सपेंसेस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस हम पोस्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो एक्सपेंसेस होंगे ये आप 6 मंथ के अकॉर्डिंग एक साथ भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1,000 रुपीज़ स्टेशनरी एक्सपेंसेस और 1,000 ही ऑफिस एक्सपेंसेस के फॉर्म में यहाँ पर हमें एंट्री पास कर देनी है, और इन सब का इफेक्ट हमारे प्रॉफिट लॉस पर आने वाला है। जब ये सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे या साल का एंड जब होगा तो हमें अपने सारे मेंबर्स को प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उससे पहले मैं साल भर की एंट्रीज पहले पोस्ट कर लेता हूँ और आपको एक बार दिखा देता हूँ। सभी एंट्रीज 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक पोस्ट कर लेने के बाद यदि आप बैलेंस शीट देखेंगे तो मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी मेंबर्स का 12,000 हो चुका है।
सारे मेंबर्स ने 12,000 रुपये इस फंड में कंट्रीब्यूट किया है और उसके थ्रू हमने अपने मेंबर्स को लोन दिया है। अभी जो लोन आउटस्टैंडिंग है मार्च में, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख रहे हैं। हमारा मेंबर वन जो था उसका लोन उसने अपने लोन को रीपेमेंट कर दिया है, इसलिए उसका रिपोर्ट आप यहाँ नहीं देख पाएंगे। और बाकी सारे मेंबर जिन जिन का जितना जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो सारा अमाउंट हमें इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। और कैश इन एंड जो भी हमारे पास रखा हुआ है वो 84,000 है। मार्च मंथ में हमने कोई भी लोन इशू नहीं किया है। जो इंटरेस्ट की हमारी इनकम हुई है वो इनकम हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोन के थ्रू हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो टोटल 11,000 रिसीव हुआ है। अब हमारा जो ये नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 9,000, इस 9,000 को हम अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके लिए हमें एक एंट्री और पास करनी होगी। दोस्तों आप भी ऐसा छोटा सा एक ग्रुप बना सकते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हमें इस 9,000 को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों इसके लिए हम एक जनरल वाउचर में एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी हमें। हमारे 10 मेंबर्स हैं, उन 10 मेंबर्स में हमें 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है 9,000 के साथ, और जितने भी मेंबर्स हैं जिनका हमने इंडिविजुअल अलग अलग लेजर बनाया है उनको क्रेडिट करना है 900 रुपीज़ ईच मेंबर। 10 मेंबर हैं हमारे और 9,000 रुपये हमें बांटने हैं, तो एक मेंबर के हिस्से में 900 रुपये आने वाले हैं। तो इस तरह से आप सारे मेंबर्स का लेजर यूज़ कीजिए और उन सभी मेंबर्स के लेजर में 9,000 रुपीज़ से उन्हें क्रेडिट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ आप एक एक लेजर का करंट बैलेंस देख रहे होंगे, उन्होंने इनिशियली सभी मेंबर्स ने 12,000 कंट्रीब्यूट किया था और जो इस साल का प्रॉफिट हो रहा है 9,000 रुपीज़ उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सभी मेंबर्स का बैलेंस 12,900 हो जाएगा। यानी इनिशियल जो कैपिटल है सभी मेंबर्स की वो 12,900 रुपये यहाँ पर अब डिस्प्ले होगी। तो मैं जल्दी से ये एंट्री आपके लिए पोस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए सारे मेंबर्स के लेजर को मैंने क्रेडिट कर दिया है और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर को डेबिट कर दिया है। तो 9,000 का प्रॉफिट हमने अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब फिर से हम बैलेंस शीट देखेंगे। आप बैलेंस शीट में देख रहे होंगे जो कैपिटल था, जो मेंबर का कंट्रीब्यूशन था वो पहले 1,20,000 डिस्प्ले हो रहा था, अब सभी मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 12,900 आपको डिस्प्ले हो रहा है। और नीचे आप प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे हैं लेस ट्रांसफर्ड, यानी करंट पीरियड का जो प्रॉफिट था 9,000 वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों यदि मेंबर्स चाहें और उनकी मीटिंग में ये डिसाइड हो कि उन्हें कैश बोनस के फॉर्म में या जो प्रॉफिट हुआ है वो बोनस की फॉर्म में उन्हें वापस चाहिए, तो आप अपने मेंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम भी कर सकते हैं। इट मीन्स आप मेंबर्स को बोनस के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में ये सारा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है, प्रॉफिट हुआ है, वो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है। आप जितना अमाउंट चाहें, जैसे इनिशियल कैपिटल जो था वो 12,000 था, 900 इस साल का प्रॉफिट है, आप 900 रुपये मेंबर वन, मेंबर टू, मेंबर थ्री को इस तरह से पेमेंट की एंट्री पास करते हुए वापस उतना ही कंट्रीब्यूशन यहां पर सेट कर सकते हैं जो उन्होंने इनिशियली किया था, और जो प्रॉफिट था उन्हें कैश में वापस दे भी सकते हैं। और धीरे धीरे जब इस तरह से आप आगे बढ़ें और आपको लगे कि अब हमारा अच्छा खासा फंड जनरेट हो गया है और भी मेंबर्स इस स्कीम में, इस ग्रुप में, इस कमेटी में जुड़ना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और बैंकिंग के थ्रू आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।